जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंशूर था। मैं ये समझता हूँ कि हम उस मैनिफेस्टो का कोई एक पॉइंट भी जो पूरा नहीं कर सके। कुरान मजीद पे हाथ रख के ये कहा है कि ना मुझे किसी ने एक रुपए की ऑफर की है ना मैंने ली है। खान साहब की जो टीम थी उसमें जो वज़रा थे इंतहाई नाअहल थे। मैंने कहा खान साहब आपने उन लोगों को प्रोटोकॉल दिया जिनकी पूरे पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम आमिर तलाल गोपांग है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यानी कि जो हुकूमती जमात है। लेकिन इस वक्त इनका तस्वुर जो है वो नाराज़ अरकान में तस्वुर किया जाता है इनको, क्योंकि इनकी कुछ तहफ़ात हैं जो कि पार्टीज़ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इससे नाराज़ क्यों हैं, खफा क्यों हैं, और इस वक्त जो एक कह लें कि नाराज़ अरकान में इनको शुमार किया जाता है उसकी असल वजह क्या है। आमिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। सर, बहुत चर्चा चल रहा है आजकल नाराज़ अरकान का कि किस तरफ जाएंगे, हुकूमत के ऊपर एक मुश्किल आई हुई है, तो सबसे पहले तो सर आप बताएँ कि आपकी नाराज़गी की असल वजह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है कि हम सियासी लोग हैं और मेरा ताल्लुक एक सियासी घराने से है। मैं खुद 14 साल से पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ। हम 2018 में जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैनिफेस्टो था, एक मंशूर था जो हमने अवाम के सामने पेश किया और उसी मैनिफेस्टो की बुनियाद पर हम लोगों से वोट लेके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई 3.5-4 साल में मैं ये समझता हूँ कि हम उस मैनिफेस्टो का कोई एक पॉइंट भी जो पूरा नहीं कर सके, और उसकी वजह से ये है कि अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा तहफ़ात हैं और अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। देखिए, हम अवाम के नुमाइंदे हैं और यहाँ कौमी असम्बली में हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उनके तहफ़ात होंगे वो मेरे तहफ़ात होंगे। तो 3.5-4 साल में ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अपने हलके की आवाम के लिए और उनके मसाइल जो थे उनमें से कोई एक भी हल करने में कामयाब नहीं हो सका। बल्कि आप हैरान होंगे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आप खान साहब बेशक 3.5-4 साल बल्कि 3-4 बजट हमने दिए हैं, तो 4 बजट जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें से उठा के देख लें कि अलीपुर की आवाम के लिए 1 रुपए की कोई स्कीम नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब मैं अपनी आवाम में वापस जाऊंगा तो क्या जो उनकी नाराज़गी है उसका मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूं ये बेसिकली मेरे अपने हलके की आवाम की ही ये जो है ज़बान है जो मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर उनके अंदर तहफ़ात होंगे पार्टी के लिए तो साफ ज़ाहिर मेरे अंदर होंगे। जी अच्छा सर, मुझे बताइएगा आजकल क्योंकि कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि आप जाहरी बात है नाराज़ हैं, इस वक्त हुकूमत अपनी नंबर गेम पूरी करने उनका एक एजेंडा भी है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन चाह रही है कि हम तहरीक इंसाफ को कामयाब करें, आप क्या समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, या अगर आपको किसी तरफ से ऑफ़र आई है तो कितने की ऑफ़र आई है, क्योंकि ये एक चर्चा चल रहा है, तो नाज़रीन को ये भी बताएँ कि ये क्या सीन चल रहा है सारा कुछ। देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत सारे TV चैनल्स पर कुरान मजीद पे हाथ रख के ये कहा है कि ना मुझे किसी ने 1 रुपए की ऑफ़र की है ना मैंने ली है। इसके अलावा मैंने ये भी हलफ दिया है कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि जो दोस्त नाराज़ हैं पार्टी से उनकी हद तक भी मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि जहाँ तक मेरे इल्म में है ना ही उनको किसी ने ऑफ़र दी है ना ही किसी ने पैसे लिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैंने एक चीज़ का हलफ दे दिया है उसके बाद हमारे अरस्तु वज़रा और ख़ान साहब को तकरीर में जाके ये कहना कि हमने पैसे लिए हैं। देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो हमें रियासत मदीना के कम अज़ कम 1-2 बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। तमाम पाकिस्तान के आलम दीन बाशमूल गामदी साहब के 2 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बग़ैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन मैंने तो हलफ भी दे दी है
उसके बावजूद भी अगर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर वो उसको मैं अपना और उसका फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। आमिर साहब ये बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी में इंतशार है या लोग नाराज़ हो रहे हैं, जिस तरह आप लोग हैं इस तरह के कई सारे लोग जो नाराज़ हैं, क्या समझते हैं किन लोगों की वजह से जो वज़ीर आज़म के क्लोज़ बैठे हुए हैं वो या तो आपकी बात वहाँ तक पहुँचने नहीं देते या फिर कोई ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नाराज़गी का इज़हार करना पड़ा? देखें, पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब हमारी पार्टी इख्तदार में आई तो हमारी पार्टी पे उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया जो बाहर से आए थे, जिनकी पूरे पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई हलका नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आज से तकरीबन कोई एक हफ़्ता कबल मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें मैंने खान साहब को यही कहा, मैंने कहा सर देखें वही लोग पार्टी का असासा होते हैं, वही लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं जो सियासी तौर पर मजबूत होते हैं। अगर मेरा हलका मजबूत है, मुझे ये पता है कि मैं चाहे आज़ाद लड़ूंगा, चाहे मैं किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे मैं पीटीआई से भी लड़ूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीतूंगा अगर मैं अपने इलाके के मसाइल को हल कराने में कामयाब हो जाऊंगा। तो मैंने कहा खान साहब आपने उन लोगों को प्रोटोकॉल दिया जो जिनकी पूरे पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनमें से आधे पाकिस्तान से बाहर भाग चुके हैं इस सिचुएशन में और आधे जो है इंशाल्लाह ताला वो जल्दी भाग जाएंगे, और खान साहब को उस दिन पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। सर क्या समझते हैं कौन कौन वो लोग हैं जो चले गए हैं, क्या कोई आप नाम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं या जो आपके रबते में हैं, कोई नाज़रीन को अगर आप बताएं कि कौन से लोग हैं जो इमरान खान को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए हैं? वो पूरी कौम को पता है कौन से भाग गए हैं और कौन से भागने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है। नंबर वन। नंबर दो ये है कि मुझे ये भी जो है अफसोस से कहना पड़ता है कि खान साहब की जो टीम थी जो कई दफ़ा तब्दील भी हुई, उसमें जो वज़रा थे ज़्यादा तादाद वो इंतहाई नाअहल थे। मैं बिल्कुल इस ये कहने में हक बजाने हूँ कि जो जिनमें से अक्सरियत वज़रा की ऐसी थी, ना वो अपने दफातर में बैठते थे, ना वो नुमाइंदों से मिलते थे, ना ही उनकी शिकायत सुनते थे, ना ही उनकी जो आवाम है जिनसे वो वोट लेके आए, ना ही उनके जो मसाइल को वो सुनते थे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम लॉबी में बैठते थे तो ये शिकायत बड़े अरसे से चल रही थी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक जहन बना लें, खुद एक माइंड बना लें कि मैंने जो है सिंसियरली कोशिश भी करनी है, और दूसरी बात यह है कि मैंने सही सीमत में कोशिश करनी है, तो शायद उनको कामयाबी मिल जाए, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। अच्छा आमिर साहब, अभी जो कि आपने ताज़ा तरीन एक बयान दिया था और उस बयान के ऊपर आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा था कि अखलाकी तौर पर भी आपके पास अक्सरियत नहीं है तो अब आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी जुरत का मुजाहरा किया कि आपने अपने ही कप्तान को इस्तीफ़ा देने का जो है वो कह दिया है, क्या सोच के आपने ये कहा, मतलब इतनी जुरत कैसे हुई? और दूसरी चीज़ ये बताएं कि क्या कप्तान आपका मशवरा मानेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में दोनों पोजीशंस होती हैं, इक्तदार भी होता है और अपोजिशन भी होती है। मैंने ये कहा था कि देखें, जब हम देख रहे हैं कि हमारे अलाइज जो हैं उनके भी तहफ़ात हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमारे तीन बड़े अलाइज थे PMLQ, MQM और जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी पार्टी, तो ये तीनों हमारे मेन अलाइज थे, उन्हीं की वजह से हमारी हुकूमत कायम थी। जब हम देख रहे हैं कि उनके भी हमारी गवर्नमेंट पे शदीद तहफ़ात हैं और वो सामने आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि चंद दिनों में शायद वो हमारे हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें, जब एक गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा हो कि हमारे अलाइज भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं, दूसरा हमारे अराकीन के भी तहफ़ात हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम ये हकूमत जो जिसमें हम आए थे हम कामयाब नहीं हो सके, हमें मज़ीद अवाम की गुस्से का शिकार होने से बेहतर है कि हम पीछे हट जाएं, उसमें हम फिर जो है बाइज्जत तौर पे अवाम के सामने चले जाएंगे, लेकिन अगर हम कामयाब ही नहीं हो सके उसी चीज़ को ज़िद पकड़े रखें और कंटिन्यू करने की कोशिश करें, तो जब हम अवाम के पास 5 साल के बाद जाएँगे तो मेरा ख्याल है हमारा गिरेबान होगा और उनका हाथ होगा। जब मैं अपनी आवाम के लिए 5 साल, मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड है, एक मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक एक रोड है, मैं इलेक्शन जीत के गया और पहले जो मेरी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा सर ये बहुत बड़ा मसला है, आए दिन वहाँ पे हादसे हो रहे हैं, अरबों रुपए की हर जगह सड़कें बन रही हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यकीन करें कि जब वहाँ पर कोई हादसा होता है, कोई कैजुअल्टी होती थी, तो लोग हमारे घर का जिसात का जो चौक है वहाँ हमारा घेराव करते थे और एहतजाज रिकॉर्ड करते थे,
और मैं उनके साथ ये वादा करके आया था कि अगर मैं ये सड़क बनवाने में कामयाब ना हो सका तो मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ चलता हूँ, मैं अपनी आवाम की सेंस के मुताबिक चलता हूँ। जब मैं ये कामयाब नहीं हो सका तो मैंने यही कहा है कि फिर हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपोजिशन की तरफ से भी आपको कोई ऑफर आई है या किसी से आपकी मुलाकातें हुई हैं? नहीं, मेरा इस तरह से कोई ना मुझे अप्रोच किया गया है और ना ही कोई इस किस्म की कोई ऑफ़र किसी ने मुझे दी है, ना मैंने ली है। वो मैं देखूँगा कि मेरा आइंदा का सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला वो मैं अपने जो सियासी दोस्त हैं और जो मेरी आवाम है उसके मुताबिक करूँगा। सर, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि आजकल एहतजाज हो रहा है जो नाराज़ अरकान है या जो सिंध हाउस में जो एक इशू हुआ था उस हवाले से, तो अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो उनके अरकान हैं वो कह रहे हैं कि अब आप जो नाराज़ अरकान हैं अगर वो वापस नहीं आते, उनको शो काज नोटिस भी जारी कर दिए गए, आपको भी पहले बताएं कि आपको मिला है या नहीं, और दूसरा ये अगर वो कह रहे हैं कि आवाम अब आपका जो है ना मुहासबा करेगी और आपका एहतसाब करेगी, तो क्या समझते हैं कि आपकी आवाम आपके साथ है या जब आप इस तरह का आपके साथ कोई इस तरह का हादसा पेश आएगा तो आपका रद्द अमल क्या होगा? मैंने पहले अर्ज़ किया है मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं अपनी आवाम के जो ख्वाहिशात के मुताबिक चलता हूँ। मेरा जो हलका है NA 186, मेरी डिस्ट्रिक्ट मुजफ़रगढ़ की तहसील अलीपुर है, उसमें से जो 90% से ज़्यादा जो लोग थे उनका मुझे यही मशवरा था कि अब आपको मज़ीद हुकूमत में नहीं रहना चाहिए और इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, और आप चूँकि लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके आपको अलग होना चाहिए। मैंने जो भी फ़ैसला किया है वो मैंने अपनी आवाम के मशावरत से किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे या वज़ीर आला चेंज होने का आपको लग रहा है कि तब्दील कर देंगे इमरान खान साहब? मुझे इस बारे में ना कोई इल्म है, मैं ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है मुझे तहफ़ात फेडरल गवर्नमेंट से हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं है।